और एडवर्टाइजिंग कंपनी के सीईओ शफीकुल हसन रोजाना 2500 लोगों को खबरों से करते हैं बाखबर। सुबह 8 बजे व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं 25 से 40 खबरों की क्लिपिंग्स। लोग कर रहे हैं बेलौस खिदमत की बेहद तारीफ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक कंपनी का सीईओ रोजाना 5 से 6 घंटे लोगों को बेदार करने के लिए देता है? जी हां, स्काई एडवर्टाइजिंग कंपनी के सीईओ शफीकुल हसन लोगों को खबरों के जरिए बेदार करने के लिए पिछले 600 से ज्यादा दिनों से रोजाना लगातार काम करते रहे हैं। बिला नागा वो रोज 25 से 40 खबरों की क्लिपिंग मुल्क की तकरीबन 2500 लोगों तक ठीक सुबह 8 बजे व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाते हैं। हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अखबारों के डिजिटल क्लिपिंग तैयार करने वाला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि स्काई एडवर्टाइजिंग कंपनी के सीईओ शफीकुल हसन हैं। पिछले 2 वर्षों से ज्यादा वक्त से बिला नागा शफीकुल हसन इसी तरह रोज 5 से 6 घंटे बाकायदा क्लिपिंग तैयार करने के काम में जुट जाते हैं और ठीक 8 बजे वो क्लिपिंग भेज देते हैं। इसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं होती। 25 से 40 खबरों का सिलेक्शन ऐसा होता है जिसके बाद अखबार तक पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। पिछले 600 दिनों में गर्मी हो या फिर सर्दी या फिर बरसात ही क्यों ना हो, शफीकुल हसन मुल्क में रहे हों या फिर यूरोप या फिर अरब ममालिक में, इन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं की। शफीकुल हसन कहते हैं कि जुनैद लिंचिंग के बाद से उन्होंने ये काम लोगों की बेदारी के लिए शुरू किया था जो अब तक बड़ी ही कामयाबी के साथ जारी है। हालात हज़रात पर नजर रखना, अखबार पढ़ना और अखबार की अहम खबरों को दोस्तों तक शेयर करने का शौक मुझे बचपन से रहा है। ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया 24 जून 2017 को इंडियन एक्सप्रेस में हाफिज़ जुनैद के ताल्लुक से, उसके लिंचिंग के ताल्लुक से खबर आई थी, उस खबर ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और उस खबर को मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को भेजा और उसी दिन तय किया कि मैं समाज में बेदारी के लिए काम करूँगा और वो सिलसिला आज भी जारी है। आज गालिबा 693 दिन है, एक दिन का गैप नहीं है, एक दिन की छुट्टी नहीं है। रोज़ाना 30 से 40 इम्पोर्टेंट खबरें मैं 2500 लोगों के साथ शेयर करता हूं और सुबह ठीक 8 बजे पहला लॉट होता है, सुबह ठीक 8 बजे मैं डिलीवर करता हूं और उसके बाद दिन में जो भी इम्पोर्टेंट खबरें या ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं वो मैं शेयर करता रहता हूं। शफीकुल हसन की क्लिपिंग को उनका सिलेक्शन खास बनाता है जिसकी वजह से उनसे जुड़ा हर शख्स उनकी क्लिपिंग का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार करता है। कई लोग शफीकुल हसन को वन मैन आर्मी भी कहते हैं और कई लोग तो उनके नाम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। काम आदमी, इवन मिडिल क्लास, इतने सारे अखबार को सब्सक्राइब नहीं कर सकता और अगर कर भी ले तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो उन अखबारों में से अपने मतलब की खबर और अपने दिलचस्पी का सामान उसमें से निकाल सके। तो शफीक साहब ने वो काम हम सब के लिए बहुत आसान कर दिया और अब वो हमारी ज़िंदगी का एक मामूल बन चुका है। तो एक तरफ हम सुबह 6 बजे अखबार उठाते हैं जिसको हम सब्सक्राइब करते हैं और 8 बजे हम इस इंतज़ार में होते हैं कि वो हमारे पास जो शफीक साहब का ख़जाना है वो कैसे और कब मुंतकिल होगा। जैसे बीच में आपने नोटिस किया होगा कि वो बीच में कुछ दिनों के लिए यूरोप गए, विज़िट किया, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने पूरी कोशिश ये जारी रखी टाइम जोन का डिफरेंस होने के बावजूद, क्योंकि उसके लिए उनको शायद सुबह वहाँ के सुबह 5 बजे और 4 बजे उठना पड़ता था, लेकिन वो सिलसिला उन्होंने मुनक़ते नहीं होने दिया। एक तो गिनेस बुक और दूसरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। मैं समझता हूँ कि इन दोनों जगह ही इनका नाम आना चाहिए क्योंकि जो सोशल वर्क जिस तरीके से शफीक साहब कर रहे हैं और जिस तरह की वो बेलौस खिदमत कर रहे हैं, बेलाग और बेलौस, और उनका कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट नहीं है,
मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरह से वो सुबह सुबह उठ के 4:30-5 बजे और अखबारों की वो क्लिपिंग्स अपने जो उनका एक ख़ास मोबाइल है उससे वो लेकर और फिर सबको भेजते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद जो मेरा आइडिया है दुनिया में अब तक तो किसी ने किया नहीं है। शफीकुल हसन से जुड़े लोगों में महेश भट्ट से लेकर मीम अफजल, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, वजूद साजिद से लेकर शकील हसन शमसी के नाम तक शामिल हैं। वहीं इस काम को करते करते शफीकुल हसन की कमर में अब दर्द भी रहने लगा है, लेकिन इस सब के बावजूद वो कौम को बेदार करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। शफीकुल हसन की लगन, उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी जद्दोजहद को यकीनन सराहा जाना चाहिए। न्यूज 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।